कार्यकर्ताओं के संघर्ष से ही पार्टी मजबूत होती है। कार्यकर्ता ही जनता की समस्या को लेकर लड़ाई लड़ता है। आगामी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, उसी तरह से कार्यकर्ता भी तैयारियों में लगे हैं। चुनाव व अन्य समस्या को लेकर रविवार को मनशा चौकी स्थित बलबीर दाइमा के कार्यालय पर फजल हुसैन का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी आए हुए लोगों ने स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान फजल हुसैन को साफा बांधकर कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। बलबीर दाइमा ने अपनी बात रखते हुए बताया कि तिजारा विधानसभा के अंदर काफी सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, लेकिन बात करें अपनी बिरादरी की तो किसी भी नेता मंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया। रोजगार के लिए 40% क्षेत्रीय नागरिकों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन नियम के अनुसार आज तक नहीं मिला है। अपने क्षेत्र के शिक्षित युवा वर्ग आज भी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। आज अपना भिवाड़ी गांव 19 नगर परिषद क्षेत्र के साथ संपन्न है या गुजर बहुमूल्य क्षेत्र है। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रोजगार, दूसरा मुद्दा सड़क की दयनीय हालत को सुधारना है। अगर अपना भिवाड़ी शहर आप अच्छा व साफ सुथरा और विकसित चाहते हैं तो इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। अपना भिवाड़ी शहर अगर जिला नहीं बना तो भिवाड़ी शहर का सारा राजस्व अलवर शहर के विकास में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से भिवाड़ी शहर में स्कूल कॉलेज की कमी हो जाती है। समय रहते सभी लोग जागरूक हो जाएं, क्योंकि 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, इसलिए कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों वार्डों में निकलकर जागरूक अभियान शुरू कर लोगों को सही और गलत का फर्क दिखाएं। वहीं चौधरी फजल हुसैन ने कहा कि तिजारा की जनता व भिवाड़ी की जनता का शुक्रगुजार हूं। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं जनता की सेवा करूं और जनता के लिए हमेशा कार्य करता रहूं। मैं सारे समाज को एक साथ लेकर चलता हूं, लेकिन कुछ लोगों की सोच है कि फजल हुसैन बहुत बड़ा माफिया है, गुंडा है, लेकिन मैं 15 साल में कभी जातिवाद की बात नहीं की है। लिया हो या मैं गलत हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जमशेद खान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट चालू हो गई है और आज मनसा चौक पे बलबीर दाइमा के ऑफिस में चौधरी फजल हुसैन का जोरदार स्वागत किया है। भारी मात्रा में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं स्वागत के लिए और हमारे साथ चौधरी फजल हुसैन है, उनसे जानेंगे कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनकी क्या रणनीति रहेगी इससे के लेके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद भाई का, जो इस तरह से जनता को जागरूक कर रहे हैं भिवाड़ी में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या प्लानिंग है जिस तरह से आप इस बार चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार चौथी बार लड़ेंगे और क्या इस बार आपकी क्या रणनीति रहेगी? नीति तो साहब सीधी सीधी है, गिरते हैं शेर सवार ही मैदानी जंग में, क्योंकि क्या करें जो घुटनों के बल चलें, तो चुनाव तो जो है लड़ना ही है और मुझे उम्मीद है और जो जनता का प्यार है, जो इनका जो लगाव है, उससे मुझे लग रहा है कि इस बार जो है आप सबको कामयाबी मिलेगी और आने वाले चुनाव में 2023 की हम अभी से शुरुआत हमने कर दी है और उसकी तैयारी जो भी हो सके। राजस्थान सरकार का जो कार्यकाल 4 साल का सफर तय हो चुका है, इन 4 सालों में कितने आप इन कार्यों से कितना संतुष्ट है, क्या काम हुए हैं 4 सालों में? देखिए, उसमें मतलब मैं ये ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि 2 साल तो सीधे सीधे कोविड में ही चले गए और CM साहब बहुत मेहरबान रहे हैं, हमारे भंवर साहब बहुत जितेंद्र सिंह जी बहुत मेहरबान रहे हैं, कोशिश उन्होंने जितनी हो सकी की है। ऐसा नहीं है कि भाई कोशिश ना की हो, लेकिन हालात ऐसे रहे। दूसरा ये है कि सेंटर के अंदर BJP सरकार होने की वजह से जो परेशानी दिक्कतें आ रही हैं आपको तो मालूम ही है कि कोई भी बात होती है कहीं ED के छापे शुरू हो जाते हैं, कहीं CBI के शुरू हो जाते हैं, कहीं IB पहुँच जाती है। तो सिवाय जो है जो कोई आवाज़ निकाले उसकी आवाज़ दबाने के अलावा कोई कुछ नहीं किया है। और राजस्थान ने सरकार ने हमेशा चाहा है कि कोई ना कोई डेवलपमेंट की बात करें और करें, तो हम भी उनके साथ लग के कोशिश कर रहे हैं कि CM साहब से दरखास्त करेंगे, हमारी बहन शकुंतला जी से दरखास्त करेंगे, बहन जाहिदा से, बूढ़ी कल्ला साहब से, कि सब शिक्षा और जो है उद्योगों के लिए, बच्चों के रोज़गार के लिए वो कुछ प्रयास करने की कोशिश करेंगे। और वो भिवाड़ी में एक सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है कि इंडस्ट्री का जो लोकल जो बच्चे हैं वो उनको नौकरी नहीं मिलती है। अभी अभी आपके जो
भाषण चल रहे तब भी लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि लोकल जो बच्चे उनके आज तक कोई नौकरी नहीं मिलती। हर बार जब चुनाव होते हैं और जो कोई भी नेता आते हैं वही वादे लेके आते हैं कि लोकल बच्चों को चुनाव नौकरी दिलाएंगे कंपनी में, इस पे आप क्या कहना है, आपको क्या मानते हैं? सब ज्यादा बात नहीं, लेकिन 15 साल से मेरे पास तो एक ही मुद्दा रहा है कि भाई बच्चों को नौकरी हम दें, और मेरा इनसे ये जरूर वादा है कि अगर मैं चुन लिया गया तो एक को भी बेरोजगार नहीं रहने दूंगा, सभी भाइयों को, बच्चों को, हमारे नौजवान साथियों को नौकरी मिलेगी। इसके लिए मैं पूरी प्रयासरत हूँ, आज भी प्रयासरत हूँ कि हर कंपनी के अंदर 25-30% इन लोगों को, बच्चों को रोजगार मिले, इनकी एजुकेशन मिले, इन्हें कोई टेक्निकल एजुकेशन की बात हो। तो मेरी ऐसी मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है और मैं उस बात का आज भी प्रयासरत हूँ। शिक्षा के बारे में, स्कूल्स के बारे में, तो मैं जयपुर भी जाके सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि कुछ स्कूल्स हमारे खुल जाएँ, कुछ अपग्रेड हो जाएँ, कुछ इंग्लिश मीडियम हो जाएँ, तो एक कोशिश है। और जब जनता मुझे चुनेगी तो मुझे उम्मीद है कि जो है हमारे हमारे इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और भी हैं तो ये सभी बात सुनेंगे और जो है इनको रोक जाएंगे। तो तिजारा विधानसभा में जो लोग हैं या फिर जो उन लोगों से किस तरह से कनेक्टिविटी आपकी इन 4 सालों में? कनेक्टिविटी तो रही हमारी, कनेक्टिविटी कोई ब्रेक नहीं हुई है, लोगों से साथ आना जाना वो अलग बात है। कोविड के 2 साल में जो है 2.5 साल के अंदर कहीं आना जाना जो है सब कुछ 144 भी लगी रही, कहीं आना जाना भी बंद रहा, तो वो इस तरह का रहा है कोरोना काल जो है जिसके अंदर कोई कुछ भी नहीं कर पाया। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम और बेहतर तरीके से कनेक्ट भी होंगे और लोगों के साथ अपील भी करेंगे, और मुझे उम्मीद है जो प्यार अब तक इन्होंने दिखाया है तो उसमें बढ़ोतरी होगी, तो बढ़ने की बात। तो जनता ने यहाँ के मौका दिया आपको, तो उस क्या मुद्दे रहेंगे सबसे पहली प्रायोरिटी आप यहाँ के जो तिजारा विधानसभा के लोग हैं, युवा हैं, उनके लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी? प्रायोरिटी मेरी सबसे पहले होगी इन बच्चों को रोजगार, इन बच्चों की शिक्षा, इनकी टेक्निकल एजुकेशन की, इनकी पढ़ाई, जिससे ये कुछ अपना कर सकें, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए काम कर सकें, कुछ जो है ये इन उनसे जो है कुछ फ्रेंचाइजी ले सकें, उनका जो है छोटा मोटा जॉब वर्क लेके काम कर सकें, ये स्वावलंबी बने, ना कि जो है ये बेरोजगार होकर बैठे रहें। और जब आदमी बेरोजगार होता है तो उसकी दिशा ठीक नहीं रहती, और जब एक रोजगार होगा एक परिवार पलेगा, जब एक परिवार में नौकरी मिलती है तो 4 परिवार आसपास और मिलती है। बच्चियाँ हैं उनकी शिक्षा की बात, तो उनकी शिक्षा मेन बात मेरी है, और अब सब चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। एक बार रोजगार मिलना शुरू हो जाए, शिक्षा आने लग जाए, और ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर भी कभी ठीक होगा तो उसमें पैसा आएगा, और जो इंडस्ट्रीज हैं मेरी उनसे भी है, जैसे CSR है, इन्हें वो मिलता है, तो वो हमारे इलाके में लगाएं, इलाके में की डेवलपमेंट की बात करें, तो यही मेन है। थैंक यू बात करने के लिए। तो ये तो चौधरी फजल हुसैन जी, आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 1.5 साल बाकी हो चुके और अभी से ही जो चुनाव की सुगबुगाहट चालू हो गई है, और ये आने वाला समय बताया कि कोई भी जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो लगातार नेता अपने वादे इरादे करते हैं और कितने इन वादों पे खड़े उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और हम इन विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं 1.5 साल में जो चुनाव होने वाले, उनकी पल पल की अपडेट हर गांव से, हर गली से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट चालू हो गई है, और आज जो भिवाड़ी में मनसा चौक पे बलबीर दायमा का जो ऑफिस है उसमें जोरदार चौधरी फजल हुसैन का जो स्वागत किया है बलबीर दायमा ने, वो आज हमारे साथ है। उनकी क्या प्लानिंग है आने वाले समय में, उनसे हम बात करेंगे। जैसे आपको अभी चौधरी साहब की हमने बात सुनाई आपको, और हमारे साथ बलबीर दायमा, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है जो आने वाले जो 1.5 साल बचे हैं चुनाव के, तो किस तरह से आपकी प्लानिंग है, जो आज जो अपने ऑफिस में जो चौधरी फजल हुसैन का जोरदार आपने स्वागत किया है, सैकड़ों कार्यकर्ता आपके साथ रहे हैं, तो क्या प्लानिंग है आपकी इस बार? जमशेद जी, जैसा आप भलीभांति जानते हैं कि हम पिछले 10 वर्षों से प्रयासरत हैं भिवाड़ी नगर परिषद के अंदर, और यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं, सर्वप्रथम आप देखेंगे कि यहाँ पर क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही 1.25 करोड़ रुपए की चोरी एक्सिस बैंक में, उसका जिसका 1 महीने में हमारे SP साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ उसका खुलासा किया। तो वारदात बढ़ती जा रही हैं, उन पर रोक लगाम लगनी बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं यहाँ पे उद्योग इतना लगा हुआ है, पानी यहाँ का भिवाड़ी का ख़राब हो गया, वातावरण प्रदूषित, पूरे भिवाड़ी सिटी सबसे नंबर 1 आया पोल्यूशन में ऑल इंडिया में। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि जितना यहाँ पर उद्योग बढ़ रहा है
और बाहर के लोग आकर के उद्योग कर रहे हैं, हमारी ज़मीनें ली हुई हैं, हमारी ज़मीनें लेने के बाद भी यहाँ पर, जबकि एक किसान का हक है कि अगर हमारी ज़मीन एक्वायर की जाती है, कोई फैक्ट्री उद्योग यहाँ पर लगता है तो 40% रोज़गारी हमारी होनी चाहिए, जो कि 40% छोड़ो, हमारे यहाँ पर जो युवा बच्चे हैं 4% भी लोकल को रोज़गार यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है जो पिछले 10 वर्षों से हम उठा रहे हैं विधानसभा के अंदर, और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जन जन तक, भिवाड़ी के आम जन तक इस चीज़ को पहुँचाएँ कि अपना अधिकार लड़के लेना पड़ता है, ना करके घर में बैठ के। तो राजस्थान सरकार को 4 साल का सफ़र तय कर लिया है और आप कितना संतुष्ट है, क्या क्या माहौल है कार्य को लेकर, विकास कार्य को लेकर? गहलोत जी की निसंकोच, बहुत अच्छी उन्होंने सुविधाएं दी हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि अस्पताल के अंदर जो जन आधार कार्ड की वो योजना लेकर के आए, जिसके अंदर 10 लाख का जो इलाज है वो फ्री है, एक आम आदमी 10 लाख तक का इलाज करा सकता है कहीं पर भी, अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के भी, जो अशोक गहलोत जी ने दी। रसोई गैस योजना के तहत 8 रुपये में भरपूर खाना भिवाड़ी नगर परिषद के अंदर गहलोत जी द्वारा दिया जा रहा है, और गहलोत जी ने काम करने में, फंड देने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। बाकी ये है कि यहाँ पर जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कितना उस चीज़ को, उन योजनाओं को कितना भुना पा रहे हैं, कितना लोगों के काम कर पा रहे हैं, ये सब लोगों के सामने है। अच्छा प्रतिनिधित्व होगा, अच्छे नेता चुन करके जाएंगे तो नहीं सकता हूँ, जितनी भी सेंटर से, राज्य सरकार से जितनी भी यहाँ पर योजनाएँ हैं, योजनाएँ बहुत मिली हैं, फंड बहुत मिला है, लेकिन लोगों को यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आम जन तक उन चीज़ों को पहुँचाया नहीं, क्योंकि उनको लेना ही नहीं आता, उनको ये नहीं पता कि हमारा, जैसे आप देखेंगे भिवाड़ी नगर परिषद गई, जब इस बार जो नया बोर्ड बना था 750 करोड़ रुपए का फंड का घोषणा की गई थी कि भिवाड़ी नगर परिषद में 750 करोड़ रुपए दिया जाएगा, तो गहलोत जी ने तो 750 करोड़ की घोषणा कर दी, मगर यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो तो इस चीज़ को देखें कि हम 750 करोड़ रुपए लेकर के कैसे आएंगे, वो लोगों का लगेगा कैसे, वो 100 करोड़ भी नहीं ले पाए, आज तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो आप, थैंक यू बात करने के लिए। तो आप देश सुन रहे थे, ये थे हमारे साथ बलबीर दहमा जी, और उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने काफ़ी अच्छी योजनाएं लेकर, लेकिन उस योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है, ताकि आम जनता उन योजनाओं का भली भांति से यूज कर सके, लेकिन ये कब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और हम इन विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं, 1.5 साल में जो चुनाव होने वाले, उनकी पल पल की अपडेट हर गांव से, हर गली से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान, और मैं हूं आपके साथ जमशेद खान।